उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला में वेतन कटौती के विरुद्ध में एम्बुलेंस संचालक कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश में 102-108 एम्बुलेंस सेवाएं बंद कर लगभग 9000 एम्बुलेंस संचालक और कर्मचारियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का आरोप है कि प्रदेश में JVK कंपनी द्वारा लगातार आर्थिक शोषण किया जा रहा है और समय पर वेतन न दिए जाने के साथ 17000 की जगह 11000 रुपए ही दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश में कर्मचारी और चालक ने कंपनी के खिलाफ आक्रोश से सारी सेवाएं बंद कर दी। एम्बुलेंस चालक का कहना है कि पूर्व में कर्मचारियों और श्रम विभाग द्वारा समझौते के बावजूद कोई निस्तारण नहीं हुआ और एक बार फिर एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल करने को मजबूर हुए हैं। वहीं कर्मचारियों ने JVK कंपनी के खिलाफ प्रदेश सरकार से हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की मांग की है। तो इसलिए हड़ताल पर बैठे हैं कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं और सैलरी में कटौती हो रहा है। जो हमारे यूनियन ने कंपनी के साथ में डील किया था वो डील भी नहीं पूरी हो रही है हमारी। लगातार कंपनी हमारी शोषण पे शोषण करती जा रही है। जब से 2012 से कंपनी आई, जब से आज तक TMC पायलटों का हमेशा वेतन काट के दे रही है, समय से वेतन भी नहीं दे रही है और हमेशा कर्मचारियों का शोषण करती जा रही है। हम इसको बंद करवा के ही रहेंगे। जब तक कंपनी हमारी सारी बातों को नहीं मानेगी, हम लोग ऐसे अनशन करते रहेंगे। लगातार हमारा जारी रहेगा ये अनशन। महामारी में जिस तरीके से दिन रात मेहनत करते हुए पेशेंट को अस्पताल लेके आते हैं, उनका दवाई ट्रीटमेंट करवाते हैं, उनका केयर कराया जाता है, इसमें गवर्नमेंट भी नहीं देख रही है, गवर्नमेंट भी हमारा साथ नहीं दे रही है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से हम गवर्नमेंट को भी निशाना बनाते हुए कहते हैं कि कंपनी के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हम लोग के साथ में जो डील हुई है उस डील को मंजूरी दी जाए, हम लोग का शोषण बंद किया जाए। इससे पहले भी आप लोगों की हड़ताल हुई थी? पहले हम लोगों ने हड़ताल किया था, कंपनी के साथ जो डील हुई थी उस डील को लेकर के हमने अपना हड़ताल समाप्त कर दिया था, लेकिन कंपनी फिर भी उस डील को नहीं मान रही है और दोबारा हम लोग फिर से हड़ताल कर रहे हैं और जारी रहेगा इसी जब तक हमारी समझौते को पूरा नहीं करेंगे। वहीं कंपनी के प्रोग्राम मैनेजर का कहना है कि कर्मचारियों की सैलरी में कटौती नहीं की जा रही है, वेतन को लेकर उनका HR विभाग तय करेगा। क्या कटौती का ऐसा कुछ नहीं हमारे सामने आया है। कुछ लोगों का हाँ सैलरी का इनका स्लेब्स अलग अलग है, अब वो कैसे है क्या है वो तो फिर HR ही डिसाइड करेंगे, उसमें तो हम कर नहीं सकते हैं। नहीं, अगर शुरू से हम बात करें तो लगातार शुरू से ही इनकी सैलरी में कटौती की जा रही है, तो कहीं ना कहीं क्या कुछ इन लोगों का आरोप है कि वहाँ पर शोषण भी करते हैं, भ्रष्टाचार भी हो रहा है, तो कंपनी के खिलाफ शोषण कहाँ से क्या होता है। देखिए, इन लोगों की ज्वाइनिंग होती है हर आदमी की, ठीक है, एक सैलरी पैकेज डिसाइडेड होता है। अब सैलरी पैकेज डिसाइड किया गया है, उसके अकॉर्डिंग इनको सैलरी मिलती है। अब उसमें कुछ इंक्रीमेंट होना होता है, अब वो इंक्रीमेंट किस हिसाब से होता है नहीं होता है वो तो फिर हेड ऑफिस ही डिसाइड करती है। हम लोग भी इन्हीं तरह, हम भी यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, मैनेज करने के लिए हम लोग रखे गए हैं। जी सर, क्या नाम सर आपको और किस पद पर है? प्रोग्राम मैनेजर। हालांकि एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी और कर्मचारियों के बीच वेतन को लेकर संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है और इसके चलते प्रदेश भर में जीवन वाहिनी सेवा एम्बुलेंस 108 के पहिए थम गए हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि सरकार मामले में कोई हितकारी कदम उठाती है या नहीं, या फिर लोगों की मुश्किलें यूं ही बनी रहेंगी। पंजाब केसरी TV के लिए बाराबंकी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।